झिर्री में शासकीय पानी की 4 बोर होने के बावजूद गहराया जल संकट, साथ ही बिना कार्य किए निकाले लाखों रुपए। कलेक्टर सहित जिला पंचायत सीईओ को सौंपा आवेदन। पोहरी विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झिर्री में शासकीय पानी के 4 बोर होते हुए भी झिर्री पंचायत में गहराया पानी का जल संकट। इस ओर किसी का ध्यान नहीं, लोग रात रात भर में 2-2 किलोमीटर से पानी लाने को मजबूर। आमजन चारों पानी के बोर बंद पड़े हैं, किसी में मोटर नहीं है तो किसी में केवल नहीं है, किसी में पाइप खराब पड़े हैं। जब सरपंच से बोर सही कराने की बोलते हैं तो सरपंच पप्पी आदिवासी बोलती हैं सचिव से बात करो। जब सचिव नारायण जाटव से बात करते हैं तो सचिव कहता है सरपंच से बात करो। और जनता जब अपने वार्ड पंचों से कोई काम की कहती है तो वार्ड पंच जब काम के सरपंच से कहता हो तो सरपंच कहती है तुम पंच होते कौन हो, कौन सा काम मुझे करना है कौन सा नहीं, ये मेरी मर्जी है। ग्राम पंचायत झिर्री में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कोई नहीं है ग्रामवासियों के सुनने वाला। झिर्री पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सीसी रोड डाली गई है, वह भी घटिया निर्माण कराया गया है और कंटूर टंच निर्माण कार्य पहाड़ी पर 9.91 लाख का स्वीकृति है। कार्य पर बिना काम कराए फर्जी डिमांड डलवाकर सरपंच ने लेबर के माध्यम से 8.50 लाख रुपए लिए। अब फर्जी मूल्यांकन कराने के लिए सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं उपयंत्री को मूल्यांकन कराने की धमकी दे रहे हैं। आज पंचों द्वारा शिवपुरी कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन दिया गया, जाँच कराने की मांग की गई। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उम्मीद सिंह जाटव। कौन से गांव से आए हो? ग्राम जिरी। तो क्या समस्या है गांव में? समस्या यही है कि सरपंच पप्पी आदिवासी महिला वर्ग से है वो जी। जो भी समस्या पानी की, बोर बंद पड़े हैं कहते हैं तो नौ कहती है तुम लोग कौन है, मैं अपनी मर्जी से कार्य करूंगी, मेरी मर्जी होगी जब कर दूंगी नहीं नहीं करूंगी। कितने लोग हैं गाँव में? गाँव है जिनको पानी नहीं मिलता कम से कम 5,000 जनसंख्या है गांव की, 3,000 तो वोटर ही मानो तुम। तो अभी पानी कहाँ से ला रहे हैं? अरे साहब पानी तो बहुत दूर से ला रहे हैं। कोई टैंकर वगैरह नहीं है पंचायत का? टैंकर है पंचायत का, कौन कौन डालेगा? 500 घर की बसी का था साहब। 1,000 टैंकर, एक टैंकर है। ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं? ट्यूबवेल बंद है। सेक्रेटरी महोदय सचिव उसके घर जाता है, इन बोरन ने सही करवा पैसे निकाल ले ना, तो वो DSC लेके आती है, वो बेड बाट गए सेक्रेटरी भाग जाता बेचारा, उस पर भी दबाव बना रखा है सेक्रेटरी पर, उसने तुझ पर मैं झूठा कम वो करवा दूंगी, केस करवा दूंगी, ये करवा दूंगी, सेक्रेटरी बेचारा डरपता है उससे। गांव विकास कार्य भी नहीं हो रहा है? विकास की ओर तो उतरा ही नहीं रही बिल्कुल, उसको तो नेतागिरी पर ही है, सरपंच ही को ठेका पर देवे की को कछु करवे की, बाहर के लोगों आते हैं कोई से कहती है 20% दे दो मुझे, कोई से कहती है 16% दे दो मुझे, गाँव की ओर बिल्कुल नहीं उतर रही विकास की ओर। मेरा नाम इरफान खान है। कौन से गांव से आए तुम? हम ग्राम पंचायत जिरी से आए हैं। जनपद कहाँ की है? जनपद पंचायत पोहरी है, जिला शिवपुरी। अच्छा, क्यों आए थे शिवपुरी को? आए थे हम इसलिए आए हैं यहाँ पे, हम जनता द्वारा, हम पंच हैं, हमें जनता द्वारा चुना गया है। हम जो सरपंच के पास जाते हैं, हम जाते वार्ड में तो जनता हमसे पूछ सवाल करती है तुम काम कराओ या क्यों काम नहीं करा रहे। जब हम सरपंच के पास जाते हैं साहब काम कराइए, पानी किल्लत चल रही है, परेशान है लोग, इस समय अप्रैल का महीना जा रहा है, सरपंच बोलता है तुम होते कौन हो, मेरी मनमर्जी है क्या करना है क्या नहीं करना, मैं अपने हिसाब से करवाऊंगी। तो गांव में क्या हालत हो रही है अभी पानी के लिए? गांव की कंडीशन सबसे ख़राब है पानी का, हमारे जिरी लोग ला रहे हैं 2-2 किलोमीटर से दूर से ला रहे हैं लोग। तुम्हारे ट्यूबवेल वगैरह नहीं है सरकारी? हमारे यहाँ 4 बोर हैं ऑलरेडी, 4 बोर ही बंद हैं, और कैसा नहीं पंचायत के खाते पर खूब पड़ा हुआ है। इसकी शिकायत आई हमने जिला पंचायत सीईओ साहब को दी है एक आवेदन, एक हमने कलेक्टर महोदय को दिया है इसका आया हमने। आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करते? अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो हम पंच हैं तो इस पद से भी इस्तीफा देकर दूर हटेंगे। क्या मतलब निकल, अगर हम 20 पंच हैं, एक झिरी पंचायत पूरी विधानसभा पंचायत है झिरी, और वहाँ हमारी कोई सुनता नहीं है, तो ये पद का भी क्या करेंगे? तो हम इसका और पंच पद है उससे पर इस्तीफा देंगे हम।